दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में जैसे जैसे क्लाइमैक्स आ रहा है स्टोरी में, जैसे जैसे भोगीलाल का भांडा फूटने का टाइम आ रहा है, वैसे वैसे दोस्तों शो के मेकर्स भी शो को और ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जितना दोस्तों हम सोच भी नहीं रहे हैं उससे भी ज्यादा शो के मेकर्स इस शो को ज्यादा खींच रहे हैं। पिछले 2-3 एपिसोड से दोस्तों शो में कई सारे फालतू सीन्स दिखाए जा रहे हैं ताकि शो को थोड़ा ज्यादा लंबा खींचा जा सके। अब इस पर दोस्तों हम क्या ही बोल सकते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट है और ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हुए ही मेकर्स ये काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 एपिसोड से ही भोगीलाल को शो के मेकर्स काफी सारे क्लू दे रहे हैं ताकि भोगीलाल को यहाँ पर शक हो जाए। और यहाँ पर पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि सुंदरलाल भोगीलाल को बोलता है कि उसके जीजाजी को जिसने भी चूना लगाया है उसे जूते मारने चाहिए, और यहाँ पर भोगीलाल को इस पर शक भी हो जाता है। और इसके बाद शो के अभी रिसेंट प्रोमो में दिखाया जाता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के मेल मेंबर्स जिनमें भिड़े फोटी डॉक्टर हाथी और पोपट लाल हैं जो कि जेठलाल के साथ पीछे के कमरे में छुपे हुए हैं, वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी आवाज बाहर भी जा रही होती है। यहाँ पर दोस्तों सभी ही बेवकूफों वाली हरकतें करने लगते हैं और यहाँ पर भोगीलाल को शक भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं ताकि शो को थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचा जा सके। और यहाँ पर दोस्तों मुझे तो लगता है कि शो के मेकर इस शो को 1-2 हफ्ते तक यहाँ पर और ज्यादा खींच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी कब तक खींचेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप भी तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो को पसंद करते हैं और मानते हैं कि एक बेहतरीन कॉमेडी शो है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एंड फॉर न्यू अपडेट ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।